नेगेटिव वर्क, हालांकि पॉजिटिव वर्क आप कर चुके थे, नेगेटिव वर्क है। वर्क डन, जो वर्क डन है बेटा उसकी डेफिनेशन क्या थी बेटा आपकी, जो वर्क डन था दैट इज द वर्क इज इक्वल टू क्या था बेटा, आपने बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या था एफ डॉट एस, और इसको आपने खोला था बेटा ये बना था एफ एस कोस थीटा। अब नेगेटिव वर्क कब होगा बेटा, नेगेटिव वर्क, वर्क जो है नेगेटिव हो जाएगा यदि लगाई गई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बस ये याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जाए, भाई फोर्स लगावा इधर और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए इधर। जैसे कि स्प्रिंग, आपने पेन में ऐसे करा नीचे करा, फोर्स नीचे लगाया, जब छोड़ोगे कहां आएगी वो ऊपर, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब तो पॉजिटिव है, जब अपोजिट डायरेक्शन में देखो कंप्रेस हो रहा है तब तो पॉजिटिव, और जब एक्सपेंशन हो रही है स्प्रिंग की तब नेगेटिव वर्क हो रहा है। ऐसे ही जब आप बेटा बॉल को कहां ऊपर भगाओगे तो क्या होगा, उसका जो वेट है वो क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, या फिर आप जैसे कि किसी बॉल को ऐसे मारोगे दीवार की तरफ, दीवार की तरफ मारोगे तो बॉल इधर जा रही है, फोर्स आपने उधर ही लगा रखा है तो पॉजिटिव है, लेकिन जब वो टकरा के वापिस आएगी तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और एक जो है बेटा जब किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं ऊपर तो वो नीचे आती है, किसके कारण आती है, ग्रेविटी के कारण आती है, ऊपर फोर्स और आई वो नीचे, देखो आपने बगाई हुआ ऊपर, फोर्स कहां लग रही है नीचे, क्योंकि वेट क्या होता है बेटा फोर्स होता है, बॉडी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों जगह बेटा नेगेटिव, और ये किसके द्वारा बेटा ग्रेविटी, क्या बेटा ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी अपोज करेगी वर्टिकल मोशन, ग्रेविटी अपोज करती है वर्टिकल मोशन, तभी तो कोई चीज हम पत्थर उगाते थोड़ी दूर तक जाओगे फिर नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि क्या कौन अपोज कर रहा है, ग्रेविटी अपोज कर रही है बेटा, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव वर्क क्या लिखोगे बेटा आप डेफिनेशन में, क्या लिखेंगे, द वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव इफ इफ बॉडी जो है बेटा बॉडी विल डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन, डिस्प्लेस इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू किसका अपोजिट, यस अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, भाई अप्लाइड फोर्स से उल्टा जो है वो बॉडी जो है क्या हो जाए डिस्प्लेस हो जाए, क्योंकि अब इसमें जब उल्टा होगा बेटा मान लीजिए फोर्स इधर लग रही है एफ और जो है बेटा बॉडी इधर जा रही है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इसको हम एंगल कितना, इसमें एंगल कितना बनेगा बेटा 180, कितना बनेगा बेटा 180 का एंगल बनेगा, सिंपल है, आपने चीज कहां भगाई ऊपर, ग्रेविटी कहां नीचे, भगाई ऊपर और वो नीचे, तो इसका मतलब एंगल कितना 180, तो एंगल 180 है तो 180 रखो बेटा, तो वर्क 180 देखिए बेटा 180 पे कितना बनेगा एफ एस कोस 180, बेटा कोस 180 क्या होता है माइनस वन, तो इसका मतलब वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस एफ एस, क्या आ जाएगा बेटा माइनस एफ एस, तो दैट इज द नेगेटिव वर्क, क्या आएगा बेटा ये नेगेटिव वर्क आएगा। तो मेन क्या है, मेन बस सिंपल याद रखना है लगाने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उल्टे हो और नेगेटिव है, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है। अब एक और सुनो बेटा, आपको पता है कि कोस की वैल्यू नेगेटिव 90 तो प्रजन दिशा नेगेटिव होनी चालू हो जाए, है ना, तो इसका मतलब है ये मैंने आपको बताया भी था किस कितने एंगल के लिए कि थीटा जो है बेटा क्या होगा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल तो वो था पॉजिटिव, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90 रहेगा, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 तो कोस क्या होता चल जाएगा माइनस होता चल जाएगा, ठीक है बेटे। अब मेन क्या इसके एग्जांपल है, एग्जांपल क्या क्या बेटा देखिए, सबसे पहला तो वही है कि क्या था बेटा व्हेन ए बॉडी थ्रोन अप ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय द किसके द्वारा बाय
ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बेटा क्या लेंगे ग्रेविटी, क्या वो ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, दूसरा जो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, यस क्योंकि अपोजिट फोर्स होती है, दूसरा बेटा बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखना जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके द्वारा भी वर्क डन क्या होगा बेटा, अपोजिट होगा, क्योंकि बॉडी उधर चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कहता है अपोजिट होता है। ये भी एक लिखो विस्कस फोर्स, क्या बेटा विस्कस, विस्कस फोर्स एक क्या आएगी विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स भी अपोजिट फोर्स होती है। जितनी भी अपोजिट फोर्स होती है बेटा, एक है ब्रेकिंग फोर्स लगते हैं अपोज करती है मोशन को, वो जो फोर्स आएगा बेटा आपका दैट इज द ब्रेक। ये सारे किसके एग्जांपल है, नेगेटिव वर्क, किसके बेटा नेगेटिव वर्क। अगला बेटा इसमें वो है पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, क्या बेटा जीरो वर्क, क्या बेटा जीरो वर्क, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। कई बार इसमें शॉर्ट वीडियो भी आती है जीरो वर्क बेटा, जीरो वर्क जो वर्क क्या था आपका, वो था एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो वर्क जीरो कब हो सके, सिर्फ तीन केस हैं, ये रहे तीन केस। या तो नंबर एक क्या हो जाए, इफ फोर्स क्या हो जाए जीरो, तो वर्क तब भी जीरो होगा। दूसरा केस भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो जाए, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तब भी जीरो आएगा। तीसरा केस कि जब एंगल जो है बेटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तब भी क्या आएगा जीरो आएगा। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अब ये कहता है कि वर्क इज सेट टू बी जीरो यदि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो 90, या फिर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मोशन नहीं कर रही है, जैसे कि 10 बच्चे इस दीवार को धक्का रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, दीवार कहीं जा रही है, फोर्स लगाने के बावजूद भी दीवार नहीं हिल रही, तो इसका मतलब क्या आपका वर्क क्या है जीरो। उसके बाद अब आगे यहां ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, थीटा जीरो। एक बच्चा कहता है जैसे कोई भी काम कर ले, ये है और ये सिर पे ऐसे रख रखा है वेट, हैवी वेट ऐसे रख रखा है, इस तरह वेट है बेटा, ऐसे वेट है, तो मैं 10 किलोमीटर एक गठड़ी लेकर जाऊंगा उसकी, या कोई वेट हैवी वेट लेकर जाऊं 10 किलोमीटर, तो मेरे द्वारा वर्क फिजिक्स का किया कोई वर्क नहीं किया, क्यों, क्योंकि बेटा क्या कारण है कि कोई भी इंसान है, मान लीजिए ये कोई इंसान है बेटा, और यहां पर कोई ना कोई उसने वेट होल्ड कर रखा बेटा, ये वेट है बेटा, कोई ना कोई वेट है, कोई भी पर्सन है, ये वेट ऊपर ये जो बेटा कोई ना कोई बॉडी है, मान ले के क्या पता कितने केजी की है, तो इसका वेट क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दैट इज एम इन टू जी। और वेट क्या होता है एक तरह से क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। और डिस्प्लेसमेंट ये कहां चल रहा है, ये चल रहा है बेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो एंगल कितना हो गया 90, एंगल 90 हो गया, तो इसका मतलब है क्या आएगा वर्क डन जीरो आएगा। एक वेट लिफ्टर, एक वेट लिफ्टर ऐसे वेट उठा रहा है 20 मिनट 10 मिनट तक 5 मिनट तक, तो व्हाट इज द वेट जीरो, उठा के रख रहा है ऐसे तो रख रहा है, उठा के तो रख रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो। अरे बेटा मैं वेट उठा के खड़े हूं यहां, तो वर्क डन कितना है जीरो है, क्यों है, क्योंकि फोर्स ऐसे है डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो। ठीक है, एक पुली किसी सामान को लेके ऐसे चल रहा है, सिर पे कोई सामान ले रहा है और ऐसे चल रहा है उस पे स्टेशन पे अबे, तो क्या होगा वर्क डन जीरो आएगा। तो ये सारे एग्जांपल किसके बेटा जीरो वर्क डन के हैं। तो यहां पर ये कहता सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो बेटा भी देखिए ये वही है बेटा, ये वाला केस कि धागे के अंदर जो स्ट्रिंग, ये जो है बेटा मान लो स्ट्रिंग है, यहाँ कोई भी बॉडी है, ये इसका भी वेट क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट क्या होगा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, धागे के अंदर टेंशन हमेशा अपोजिट ऐसे, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है इसका हर पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल 90 हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन जीरो रहेगा।
आ बेटा। और एक बेटा मैंने बोला है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स यही तो है जो अंदर की तरफ होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। सेंट्रीपिटल के द्वारा जीरो, टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो, उसके बाद कोई भी कुली है या कोई पर्सन है किसी वेट को लेकर चल रहा है तो वर्क डन जीरो। ठीक है बेटा, या कोई बेटा वेट लिफ्टर है, 100 kg का वेट जो है आपने कंधों पर उठा के चल रहा है तब भी जीरो, और उठा रखा उसने तब भी जीरो, उठा रखा है तो क्या चीज जीरो है, डिस्प्लेसमेंट, उठा गए यहां रख रखा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लियर है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट, क्या था, जीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। कर लोगे सर?